व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। लाइफ में दो तरीके के इंसान होते हैं, एक तो अगर किसी के सामने प्रॉब्लम आती है वो एकदम हथियार डाल देता है, और दूसरे जो प्रॉब्लम आती है वो उसको और डटकर सामना करने की कोशिश करता है। तो देखिए, कई सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर, अगर लाइफ में आप लोग कभी ऐसा फील करते हैं कि कोई आप लोगों को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, या आप डिप्रेस फील करते हैं कि हाँ ये काम नहीं हो पाएगा, तो पता नहीं मेरे अंदर भी कुछ ऐसी कुरकुरी सी मस्ती है कि ऐसा लगता है कि यार इस काम को ना थोड़ा सा और एफर्ट डालना चाहिए इसमें। मतलब जब लगता है ना कि ये खत्म होने वाला है, हाथ से निकलने वाला है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगने लगता है कि इसमें पूरी एनर्जी पुट ऑन कर दो, तो फिर वो काम होने लगता है। मतलब जब लाइफ में आप लोगों को ये लगे कि ये चीज हाथ से निकलने वाली है, ये आप लोगों से एग्जाम क्लियर नहीं होगा, कुछ ऐसा लगे, तो आप लोगों को उसमें अपनी एनर्जी डबल कर देनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट होता है कि वो कोई ऐसा नहीं है कि वो मेरे साथ हो रहा है या आपके साथ हो रहा है, हर एक इंसान के साथ में होता है वो, ठीक है? तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि उसको छोड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं होगा भैया, अब हमसे नहीं हो पाएगा। कुछ इंसान ऐसे हैं, बस थोड़ा सा अपना जो एफर्ट इकट्ठा करते हैं और बोलते हैं कि नहीं यार, जरा सा एफर्ट और डाल लेते हैं, जब इतना कर लिया थोड़ा सा और कर लेते हैं, और वही पास करके निकल जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों का उदाहरण भी दिया था नैनो मैगजीन का, जब ये कमेंट हुए, कई सारे कमेंट ऐसे आए कि नैनो गाड़ी की तरह नैनो मैगजीन फेल होने वाली है, तो मैंने उसमें और एफर्ट डालना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा किस तरीके से इसको ऐसा बना सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा होए। तो इसी तरीके से मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। अगर आप लोग स्टार्टिंग की नैनो मैगजीन उठा के देखेंगे और आज की नैनो मैगजीन उठाकर देखेंगे, बहुत सारे आप लोगों को डिफरेंस नजर आएंगे। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि कहां से बच्चों को सबसे ज्यादा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए, कहां से उनको सबसे ज्यादा फायदा हो जाए, और वही सब देखते हुए मैं एक पैटर्न बना के आगे चलता आ रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि यहां पर आगे रुक गया हूं, जब भी मुझे लगेगा आप लोग सजेशन देंगे और मुझे लगेगा कि हाँ ये सबको फायदा पहुंचा सकता है, मैं फिर से इसके अंदर चेंज करूंगा। मैं जब तक चेंज करता रहूंगा जब तक कि यहां पर एक अच्छा मटेरियल आप लोगों को नहीं मिल जाता है और वो आप लोगों के एग्जाम में फायदा नहीं पहुंचाता है, तब तक हम लोग इसको चेंज करते रहेंगे। तो लाइफ में आप लोग भी ऐसे रखिए, हर एक इंसान की लाइफ अलग होती है, हर एक के पास में अलग अलग क्वेश्चन पेपर होता है, तो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से आप लोगों को टैकल करके चलना है। दूसरों के एक्सपीरियंस से बस सीखना है, पर इंप्लीमेंट अपने हिसाब से करना है उसको। यही कहते हैं ना कि दूसरे के जूते में अपना पैर फिट करने की कोशिश मत कीजिए, अपना खुद का एक पैर का साइज है आप लोगों का, तो अपना पाथ खुद बनाइए। उस तरीके से आप लोगों को अपना वे खुद चूज करना पड़ेगा और उसको लेकर खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये होती है हमारी करंट अफेयर की वीडियो, जिसमें हम लोग पीआईबी, ये पीआईबी गवर्नमेंट की न्यूज होती है, सारी ऑल इंडिया रेडियो गवर्नमेंट की न्यूज है। अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, वो सारे इकट्ठे करके मैं यहां पर लेकर आता हूं, और इस कंबाइन को हम लोग बोलते हैं नैनो मैगजीन। तो आज की नैनो मैगजीन में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, आइए अब आगे देखते हैं। और हाँ, कल आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा था तो कई सारे सजेशन मिले मुझे। एक सजेशन, एक बंदे ने यहाँ पर ये पोस्ट किया था मुझे फेसबुक पर इनबॉक्स में कि सर आप लोग एक फ्लैग लगा लीजिए यहाँ पर, काफी प्यारा था ये फ्लैग, मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया, आगे से आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगा। और दूसरा सजेशन एक स्टूडेंट ने ये दिया कि सर आप टारगेट रखिए, हम आपका टारगेट अचीव करने में हेल्प करेंगे। टारगेट मतलब नैनो मैगजीन को आगे लेकर चलते हैं, बड़े मुकाम पर लेकर चलते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर एक तो टारगेट का सेशन ये था कि लाइक्स का टारगेट करते हैं, जितना देखिए आप लोग चीजों को लाइक करेंगे ना, जितना शेयर करेंगे उतने ही ज्यादा लोग जुड़ेंगे। पैसे कमाने वाले, धंधा करने वाले मार्केट में बहुत बैठे हैं। अगर आप लोगों को एक अच्छा मटेरियल, आपको बस इंटरनेट का कुछ पैसे पे करने पे मिल जा रहा है, आप लोगों को मटेरियल के लिए अलग से कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है, तो देखिए ये एक बहुत ही बड़ा एक तरीके से ट्रिब्यूट हो सकता है सोसाइटी के लिए, अगर आप लोग मिलकर काम करेंगे मेरे साथ में। तो अभी टारगेट रखते हैं आने वाले टाइम में, आज का टारगेट रखता हूं इसका, अब मैं वीडियो का, कम से कम आप लोगों को यहां पर 1500 लाइक करना है, ठीक है? वैसे 1500 हो जा रहे हैं, आज 1500 रखता हूं, इसको डेली बढ़ाया करेंगे। अब आपको डेली पार्टिसिपेट करके आगे बढ़ना है, और देखिए जोश के साथ में आगे बढ़ना है हम लोगों को, ठीक है? अच्छे से करेंगे। बाकी स्टैटिक पोर्शन पॉलिटी आप लोगों का कवर हो ही चुका है, और भी पोर्शन मैं आने वाले टाइम में कवर करूंगा, अभी थोड़ा शेड्यूल गड़बड़ा रहा है, आने वाले टाइम में और अच्छे से चीजों को करूंगा, और आपका स्टैटिक पोर्शन भी साथ साथ में कवर करता हुआ मैं चलूंगा, आगे बढ़ूंगा, ठीक है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का टारगेट याद रखिएगा, कल फिर नेक्स्ट टारगेट देखेंगे, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए जो भी आपके व्यूज हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ वो एक अलग बात है, पर पढ़ता सारे कमेंट हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज के साथ में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, बात की जा रही है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। देखिए इंपॉर्टेंट है, अब की बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि 100 ईयर हो चुके हैं इनके कंप्लीट। देख सकते हैं आप लोग 1918 में पैदा हुए थे, और आज के डेट में हम लोग कहां खड़े हैं, आज हम खड़े हैं 2018 में। तो इस तरीके से 100 ईयर इनके कंप्लीट हो चुके हैं, तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा जान लेते हैं इनकी कंट्री के बारे में भी। ये आप लोगों के सामने है ग्लोब, यहां पर थोड़ा सा इसको देखेंगे, यहां पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये बात की जा रही है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में आप लोगों को रंग भेद यहां पर नजर आता था उस टाइम पर, मतलब क्या होता था, एक साइड में ब्लैक और एक साइड में व्हाइट,
व्हाइट को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रखी थी और ब्लैक्स को कुछ नहीं थी। उसी को रंग भेद को खत्म करने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई ताकि इस तरीके की एक्टिविटी को यहाँ पर खत्म किया जा सके। तो उसी में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, बहुत लंबे समय तक जेल में भी रहे, बहुत सारी चीजें की गई और इनको एक तरीके से साउथ अफ्रीका के गांधी भी बोला जाता है, गांधी जी के साथ में कंपेयर किया जाता है, क्योंकि गांधी जी का जो पैटर्न था नॉन वायलेंस वही फॉलो कर ये आगे बढ़े। ओके, तो हल्का सा इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी की, यह है जहां पर जेफ बेजोस, इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, अमेज़न जो वेबसाइट से आप लोग सब कुछ खरीदते हैं यहां पर उसी के मालिक हैं ये। तो इन्हीं के बारे में बात की जा रही है, अब नई हाइट पर ये पहुंच गए हैं, खासकर इनके आप लोग कई सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे अमेज़न प्राइम, जिसके लिए आप लोग को पे करना पड़ता है, ठीक है, तब जाकर आप लोग यहां पर चीज देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर फैसिलिटी कई सारी प्रोवाइड कराई जाती है। देखिए जिस तरीके सॉफ्टवेयर नहीं खरीदते हैं, एक तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है प्राइम, प्राइम में आप लोग कई सारे एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, तो इसी तरीके से अमेज़न प्राइम में यहां पर अलग फीचर मिल जाते हैं कि कंपनी आप लोग याद रखते हैं। और इसके अलावा जो इसके यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इस कंपनी के जो मालिक हैं उनका नाम आप लोग याद रखते हैं, क्योंकि आज के में टॉप मोस्ट वर्ल्ड में ये आप लोग को देखने को मिलेगा कि टॉप मोस्ट रिचेस्ट पर्सन ये बन गए हैं, ठीक है, और काफी आगे हैं अगर बिल गेट से भी आप लोग काउंट करेंगे इनके साथ में, इसलिए थोड़ा सा इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात निकल के आ रही है यहां पर ट्राई के चेयरमैन, जिसको बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसका नाम आप लोग याद रखते हैं, चेयरमैन कौन है यहां पर, यह आर एस शर्मा ने यह बोला है कि जिस तरीके से आधार कार्ड को बनाने के लिए यहां पर मिनिमम डेटा का इकट्ठा किया गया, उसी तरीके से अगर कोई भी ऐसा आप लोग ऐप चाहते हैं तो मिनिमम डेटा कलेक्ट करना चाहिए वहां पर लोगों से, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज्यादा आती है तो फिर कई सारी प्रॉब्लम निकल के आती है कि डेटा चोरी होता है, तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो जितना जरूरी है बस उतना ही डेटा यहां पर कलेक्ट करना चाहिए जो हमारी कंट्री में अलग अलग जो ऐप्स यूज किए जा रहे हैं आज की डेट में। नेक्स्ट है यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर रिजर्व कर लिया है वर्डिक्ट किसके लिए, यह सेक्शन 377 इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन है, अभी इस पर रिजर्व कर दिया है जो वर्डिक्ट आना था, अब देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या इस पर वर्डिक्ट आने वाला है, वो हमको आगे देखने को मिलेगा। मैक्सिमम चांसेस है कि इसको यहां पर डिक्रिमिनलाइज किया जाएगा, क्योंकि यहां पर प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया, जब प्राइवेसी फंडामेंटल राइट आता है आर्टिकल 21 के तहत, तो देखिए हर एक इंसान को एक अपना प्राइवेसी का राइट हो गया है, तो फिर किसी का उसमें दखल देने का कोई हक बनता नहीं है। ओके, नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है यहाँ पर एथलीट के नाम से, यहाँ पर नीरज चोपड़ा, ये जेवलिन भाला फेंक आप लोग यहाँ पर देखते हैं, इनको गोल्ड मिला है फ्रांस में, यहाँ पर शॉर्टविल एथलीट, ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं, गोल्ड इन्होंने जीता है फ्रांस में, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये लास्ट डे जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर है, तो टीचर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है ये 5 सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए मेरे से वहां से गलती से बोला गया, पहले आप लोगों को वैसे मैंने समझाया भी था, वहां पर ये था कि जो हिचकी मूवी है ना वो रिलीज हो रही है 6 में, कहां पर, रशियन लैंग्वेज में, ठीक है ना, रशिया में वहां पर, लेकिन 6 में रिलीज हो रही है, पर उपलक्ष में किसके हो रही है, टीचर्स डे के उपलक्ष में रिलीज हो रही है, ठीक है, जो कि 5 में होता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों, टीचर्स डे होता है वो सेलिब्रेट 5 सितंबर को किया जाता है, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये एक तरीके से अपने आप को ये बोलते थे, ये प्रेसिडेंट भी रह चुके थे इंडिया के, इन्होंने हमेशा ये बोला कि आप लोग मुझे प्रेसिडेंट या किसी और नाम से मत पुकारिए, आप लोग मुझे एक टीचर के ओहदे से पुकारिए बस, ठीक है, तो अपने आप में ये बस एक टीचर देखना पसंद करते थे, ना कि एक प्रेसिडेंट की उपाधि भी इनको पसंद नहीं थी एक टीचर के सामने, समझ रहे हैं आप लोग कि किस तरीके से ये टीचर को एक इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि टीचर एक ऐसा इंसान होता है जो कि जो फ्यूचर बनाता है किसी कंट्री का, उसी में ये बहुत ज्यादा विश्वास रखा करते थे, कुछ ऐसा ही विचार था आप लोगों को पता होगा एपीजे अब्दुल कलाम सर का भी, तो देखिए ये ऐसे विचार होते हैं, इस तरीके के जो पर्सन होते हैं वो लाइफ में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि अपनी कंट्री को कुछ ऐसा दे जाते हैं कि जाने के बाद भी उनको हमेशा याद किया जाता है। कौन पर्सन होते हैं जो कभी अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते हैं, ये हमेशा दूसरों के फायदे के बारे में सोचते हैं, तो ऐसी पर्सनैलिटी थे ये, तो इनके बारे में आप लोग नाम याद रख सकते हैं। वर्ल्ड टीचर डे जो सेलिब्रेट किया जाता है ये 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, डेट दोनों की 5 है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुके हैं, खासकर बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों से पूछा था CERN, इसको बोलते हैं यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये फॉर्म की गई थी 29 सितंबर 1954 में, इसके अलावा जो हेडक्वार्टर आप लोगों को स्विट्जरलैंड में नजर आएगा, टोटल मेंबर यहां पर है 22, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच 2 लैंग्वेज यहां पर है, डायरेक्टर जो आज की डेट में जनरल है यहां पर, इनका नाम है फेबियोला गेनोटी, तो नाम आप लोग याद रख सकते हैं अगर याद रहता है तो, वरना कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से पूछा था यूएन के जो सेक्रेटरी अभी फिलहाल है, नाम क्या है यहां पर, एंटोनियो गुटेरेस, नाम याद रखिएगा क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट, पुर्तगीज, ये इनकी जो एक तरीके से जो इनकी कंट्री है वो है पुर्तगीज, ये है मतलब पुर्तगीज हैं ये, तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, इनसे पहले जो यहां पर रह चुके हैं वो थे बान की मून, तो इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये 9th सेक्रेटरी जनरल है यूएन के। ओके, 113वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल यहां पर लेके आए गए थे, जिसके तहत यहां पर चेंज किया गया उड़िया को, ये लैंग्वेज जो था पहले उड़िया बोला जाता था, इसको उड़िया में चेंज किया गया यहां पर।
तो ये सारे काम कौन से शेड्यूल में, ये सारी लैंग्वेज एथ शेड्यूल में आप लोगों को नजर आएगी हमारे संविधान के एथ शेड्यूल में। कितनी लैंग्वेज है टोटल, ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट होती है, इनके बारे में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो टोटल कितनी लैंग्वेज आप लोगों को यहां पर नजर आती है, ये आप लोगों को बताना है। विंबलडन जो जीता है अब की बार 2018 का, ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है, केविन एंडरसन को यहां पर हरा के इन्होंने टाइटल जीता है। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ये है उमा भारती जी। इसके अलावा 105वां इंडियन साइंस कांग्रेस कहां पर हुआ था, ये हुआ था मणिपुर, मणिपुर यूनिवर्सिटी इम्फाल में आप लोगों को देखने को मिला था यहां पर ये। और इस बार की जो थीम थी रीचिंग द अनरीच थ्रू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां तक हम लोग नहीं पहुंचे वहां तक पहुंचना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से। अब नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। और हाँ, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम को देकर आते हैं और आप लोगों वहां पर कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आप लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो आकर बताया कीजिए जरूर, ठीक है ना। शेयर किया करूंगा उसको दूसरों के लोगों के साथ में, ताकि और भी ज्यादा मोटिवेट हो लोग और अच्छे से चीजों के अपना मेहनत करें कि हाँ, जब सामने वाला बंदा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो एक दूसरे के लिए भी मोटिवेशन का सोर्स आप लोग बन सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रही है यहाँ पर आइसलैंड से रिलेटेड। आइसलैंड यहाँ पर यूएनआरसी की सीट लेने जा रहा है। देखिए, आप लोगों को पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जब यहाँ पर यूएसए ने छोड़ा था यहाँ पर यूएनएचआरसी को, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, तो यूएसए ने क्यों छोड़ा था, क्योंकि यूएसए था किसकी साइड में, इसराइल की। और यहां पर जब बात आती है यूएनएचआरसी की, वो हमेशा इसराइल को अपोज करता है, क्यों, क्योंकि इसराइल जो वहां पर फिलिस्तीन वासी हैं उनके ऊपर अत्याचार करता है, तो इस तरह की एक्टिविटी यहां पर निकल कर आती है, इसलिए हमेशा इसराइल को यहां पर अपोज किया जाता है, इसराइल को क्रिटिसाइज किया जाता है। और यूएसए हमेशा इसराइल को सपोर्ट करता है, क्योंकि आप लोगों को देखने को मिला जेरूसलेम जो कि पड़ता है वेस्ट बैंक में, और उसको इसराइल की कैपिटल बनाया गया यूएसए के द्वारा, और वहां पर अपनी एम्बेसी भी ट्रांसफर कर दी, वो सारी एक्टिविटी आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो यहां पर जो सीट हुई खाली उसको यहां पर अब भरने जा रहा है आइसलैंड, ठीक है, ये सीट यहां पर मिलने जा रही है। 47 मेंबर है ये ह्यूमन राइट काउंसिल में यहां पर, और जून में यहां पर यूएसए छोड़ के इसको चला गया था। ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। लोकेशन एक बार देख लीजिए यहां पर आइसलैंड की, ताकि आप लोग कनेक्ट कर सकें कि किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। ये देख सकते हैं फ्रांस हो गया, यहां पर ही आप लोगों के सामने ये हो गया यूनाइटेड किंगडम, ये आयरलैंड हो गया, थोड़ा ऊपर चलेंगे यहां पर आप लोगों को आइसलैंड नजर आएगा, ये वाला पोर्शन थोड़ा और जूम करके देखते हैं। ये देखिए यहां पर ये हो गया आइसलैंड, ये इधर ग्रीनलैंड हो गया, ये यहां पर आइसलैंड हो गया, ओके। नॉर्वेजियन सी आप लोग यहां पर नजर आएगा, तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखा कीजिए अगर कोई पर्टिकुलर एरिया के बारे में पूछा जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है माइग्रेशन के बारे में। देखिए, कई सारे लोग माइग्रेट करते हैं किसी पर्टिकुलर किसी दूसरे एरिया में जाते हैं, तो किस तरीके से सेफ ऑर्डरली और यहाँ पर रेगुलर माइग्रेशन किया जा सकता है, उसके ऊपर यहाँ पर एक तरीके का ड्राफ्ट यहाँ पर तैयार किया गया है, एक कॉम्पैक्ट तैयार किया गया है यहाँ पर किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो पूछा जा सकता है कि WTO के द्वारा किया गया है या यूनाइटेड नेशन के द्वारा या IMF के द्वारा, तो कुछ भी पूछा जा सकता है यहाँ पर, तो किसके द्वारा किया गया है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखते हैं कि किस तरीके से बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं जो चैलेंज यहाँ पर फेस किया जाता है, क्या माइग्रेंट जो लोग होते हैं उनके राइट्स क्या होते हैं, किस तरीके से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है ताकि उनको भी एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराया जा सके ताकि वो भी अपने बारे में अच्छा सोच सकें और अपनी फ्यूचर की जनरेशन उनके बारे में भी कुछ अच्छा कर सकें। तो ये फर्स्ट इस तरीके का इंटर गवर्नमेंटल एक एग्रीमेंट है जो कि यहाँ पर आप लोगों के सामने है। सब यहाँ पर ऑल पार्टी मेंबर यहाँ पर एग्री हो गए, छोड़ गए किसको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। देखिए, इनका तो सर फिर गया है, इनके बारे में बोलना भी गलत है अब यहाँ पर हाँ, एक बात है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, मतलब अपने हिसाब से आप लोग सोच सकते हैं कि हाँ, इसको फॉलो करके चलना है या नहीं फॉलो करके चलना है, कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पर बाइंडिंग है कि आप लोगों को फॉलो ही करके चलना है। तो एक एग्रीमेंट है ग्लोब, ये यूएन के द्वारा, याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंडिया के द्वारा ढाका में एक नया वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट ये वीजा सेंटर खोला गया है, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहिए क्योंकि हमारी कंट्री के जो होम मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी वो अभी बांग्लादेश की विजिट पर है। तो यहां पर ढक्कन खोला गया है ढाका में किसका, ये वीजा सेंटर का। और देखिए, इससे पहले भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये है जमुना फ्यूचर पार्क JFP, ये ढाका में लार्जेस्ट वीजा सेंटर है जहां पर लगभग आप लोगों को नजर आएगा 8,500 स्क्वायर फीट में कमर्शियल एरिया आप लोग यहां पर नजर आएगा। तो देखिए, यहां पर काफी शानदार तरीके से ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी वीजा वगैरह प्रोवाइड कराया जा सके बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये वर्ल्ड का है लार्जेस्ट, ना कि इंडिया का या फिर एशिया का, तो इसलिए इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट होती है, अगर वर्ल्ड में लार्जेस्ट कोई हो तो आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जा रही है इंडिया और बहरीन के रिलेशन के बारे में, ज्वाइंट कमीशन मीट यहां पर। हमारी कंट्री की जो फॉरेन मिनिस्टर है जिनके पास में सुषमा स्वराज, यानी कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है जिनके पास में, ये अभी बहरीन की यात्रा पर हैं। तो बहरीन की यात्रा पर यहां पर एक तरीके का ज्वाइंट कमीशन आप लोगों के सामने निकल कर आ रहा है, जिसके तहत दोनों कंट्री के जो लोग हैं, मान लीजिए बहरीन के हमारी कंट्री में और हमारी जो लोग हैं वो बहरीन में है, किस तरीके से उनको अच्छे से अच्छे फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सकती है। तो यहां पर ये ज्वाइंटली इनोग्रेटेड किया गया, किसके द्वारा, हमारी कंट्री की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जो कि सुषमा स्वराज जी हैं मिनिस्टर, उनके द्वारा। और इसके अलावा ये नाम थोड़ा लंबा है, याद रखने की जरूरत नहीं है, ये शेख खालिद बिन अहमद बिन खलीफा, ठीक है, तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, काउंटर पार्ट बोल दिया करिए, काम चल जाता है।
तो ये भी यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा ज्वाइंटली ये इनोग्रेट किया गया है। थोड़ा बहरीन को आप लोग मैप में निहारिए तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। लोकेशन जरूर देखा कीजिए क्योंकि लोकेशन बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग फ्री में हो जाते हैं जिनका कोई मतलब भी नहीं होता। आप लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या होगा, मैप तो याद करा ही दूंगा मैं, आप लोगों को टेंशन मत लीजिए, साथ लगे रहिए। ये तो आप लोगों को देश अलग अलग कंट्री का टूर कराता हूँ, आप लोगों को घर पे बैठे बैठे वर्ल्ड की सैर कराता हूँ, ठीक है। तो आप लोग चीजें याद रखा करिए, इसलिए बार बार आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि आप लोग लंबे समय तक याद रख पाएं। ये हो गया बहरीन, नीचे हो गया कतर, ओके। ऊपर देख सकते हैं पर्शियन गल्फ हो गया और ये हो गया इधर गल्फ ऑफ ओमान मस्कट के यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा स्टेट स्पेसिफिक न्यूज देख लेते हैं, स्टेट के बारे में क्या न्यूज निकल के आ रही है। तो जो यहाँ पर न्यूज निकल के आ रही है ये आ रही है यहाँ पर हरियाणा के जो गवर्नर हैं कप्तान सिंह सोलंकी, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। किसका? ये हिमाचल प्रदेश का। एडिशनल चार्ज कौन देता है, क्वेश्चन बन सकता है। नॉर्मली पॉलिटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बैकग्राउंड में आप लोगों को करंट अफेयर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा एडिशनल चार्ज जो यहाँ पर दिया जाता है। नॉर्मली तो देखिए संविधान में ये बातें की गई थी कि हर एक स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए, पर लेकिन आगे बढ़ के जब ऐसी चीजें निकल कर आने लगी कि हाँ कई बार प्रॉब्लम निकल के आ जाती है तो एक इंसान के पास में एडिशनल चार्ज भी दिए जा सकते हैं, अब दो या तीन स्टेट के भी, ठीक है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का और यहाँ पर जो आज के डेट में हरियाणा का तो ऑलरेडी इनके पास में ही है, क्योंकि जो गवर्नर थे यहाँ पर, जो गवर्नर थे नहीं है ये यहाँ पर जो आचार्य जी हैं ये अभी छुट्टी पर हैं, ठीक है ना, किसी रीजन की वजह से। तो इसीलिए जो एडिशनल चार्ज दिया गया है यहाँ पर दिया गया है कप्तान सिंह सोलंकी जी को। तो हल्का सा आइडिया आप लोग यहाँ पर इनके बारे में रख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश काफी शानदार स्टेट आप लोगों को नजर आता है क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस भी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए काफी न्यूज में रहता है, अभी शिमला की वजह से काफी न्यूज में था। कैपिटल भी आप लोगों को शिमला नजर आएगी और सेकंड कैपिटल कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, ठीक है। सेकंड कैपिटल है, इसको विंटर कैपिटल भी बोला जाता है, नीचे कमेंट उसमें बताइए। टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। और जो आज के में चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर ये है जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी के यहाँ पर कैंडिडेट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा नजर डालते हैं इकोनॉमी और बैंकिंग के ऊपर क्या न्यूज है। आज बात की जा रही है पर कैपिटल रिवेन्यू कलेक्शन के बारे में। देखिए अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, मान लीजिए 1000 है, ठीक है, लोग कितने रहते हैं, मान लीजिए 100 है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हर एक इंसान के हिस्से में 10 रुपये आएंगे, तो इसको बोलते हैं पर कैपिटा, ठीक है ना। तो पर कैपिटा आप लोग देखते हैं, जीडीपी निकालते हैं, कोई इस तरीके से रिवेन्यू कलेक्शन निकालते हैं, तो हर एक पर्सन के हिस्से में कितना आ रहा है, तो इसके हिसाब से अगर हम लोग चलें तो जीएसटी का कलेक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ से निकल कर आ रहा है, ये निकल के आ रहा है हरियाणा से। और इसके अलावा फोर्थ हाईएस्ट जनरेट किया गया यहाँ पर ई वे बिल भी आप लोग देखते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से कोई सामान किसी दूसरे एरिया में लेके जाना है उसके लिए जो बिल की बात की गई थी जनरेट करने की, तो ये ई वे बिल निकल के आया था। क्योंकि हमारी कंट्री में फर्स्ट जुलाई के दिन हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया था जीएसटी, जिसकी वजह से हम लोग 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। वन नेशन वन टैक्स का नारा लगाया गया था, उसी के तहत यहाँ पर जो यहाँ पर हरियाणा का पर कैपिटल यहाँ पर कलेक्शन निकल के आ रहा है ये 1876, ठीक है, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, टॉप किया है यहाँ पर हरियाणा के द्वारा। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड दोनों ने टाई अप किया है। नाबार्ड के बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब खेती का और एग्रीकल्चर का और गांव का डेवलपमेंट की बात की जाती है। दोनों ने टाई अप किया है किसके लिए, ये यहाँ पर एक तरीके से प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पर फैसिलिटी, फ्री क्रेडिट यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा ज्वाइंट, जिसको बोला कि किसके थ्रू, ये है ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप, मतलब दोनों के द्वारा मिलकर यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी कोलेटरल फ्री, मतलब कोई भी यहाँ पर एक तरीके से गिरवी चीज नहीं रखी जाएगी, जिसके बेस पर यहाँ पर जो सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके लिए ऐसे नहीं है कि आप लोगों को पैसा दे दिया जाए और आप लोग क्या करिए अपना कोई सामान गिरवी रख के चले जाइए और तब आप लोग सामान देंगे, तो अपना पैसा दे के जब आप लोग सामान दिया जाएगा आप लोग जब पैसा रिटर्न करेंगे तो उसको बोलते हैं कोलेटरल, तो कोई भी कोलेटरल नहीं दिया जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके से काम किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर MOU जो देखा गया यहाँ पर, इसके साथ में 7 NGO ये यहाँ पर आप लोगों को नजर आएंगी जो काम करती हुई नजर आएंगी, और अलग अलग लेवल पर यहाँ पर काम किया जाएगा चीजों को सुधारने के लिए तेलंगाना में। थोड़ा सा स्पोर्ट के स्पेसिफिक न्यूज देख लेते हैं यहाँ पर। आप लोगों को ये तो पता ही है कि फ्रांस जीत गया फीफा वर्ल्ड कप, तो किसको हरा के जीता है ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये क्रोएशिया को हरा के जीता है यहाँ पर, ठीक है, तो 4-2 से जीता है। अब यहाँ पर बात क्या निकल के आ रही है, बात ये निकल के आ रही है कि देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है ये होने वाला है कतर में, और फ्रांस ने जो जीता है ये इसका सेकंड टाइम है, फर्स्ट टाइम 1998 में इन्होंने जीता था ब्राजील को हराकर। और इसी के साथ में फ्रांस जो यहाँ पर ज्वाइन कर चुका है उरुग्वे और अर्जेंटीना को, जो कि 2-2 बार यहाँ पर इसको ऑलरेडी जीत चुके हैं, ओके। इसके अलावा कई सारे अलग अलग अवार्ड दिए गए हैं, कई बार पूछ ले जाते हैं गोल्डन बॉल अवार्ड, गोल्डन बूट अवार्ड,
गोल्डन ग्लोव अवार्ड, इसके अलावा यहाँ पर है फीफा यंग प्लेयर अवार्ड, इसके अलावा फीफा फेयर प्ले अवार्ड। तो ये यहाँ पर कई सारे अवार्ड दिए गए हैं अलग अलग कंट्री में। तो जो यहाँ पर जो सेकंड यहाँ पर जो हारी है अभी, उसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ज्यादा और याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि याद रखना है तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, हल्का सा बस यही याद रख सकते हैं क्रोशिया वाले का, ठीक है, जिसको दिया गया गोल्डन बॉल अवार्ड। ठीक है, तो नाम था इनका लुका मॉड्रिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पर्सन स्पेसिफिक न्यूज के बारे में, बात की जा रही है यहाँ पर टीवी नरेंद्रन के बारे में। इनका नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ दिनों पहले आप लोगों को पता होगा भूषण स्टील, ये एक स्टील कंपनी थी, इसको यहाँ पर एक्वायर किया गया टाटा स्टील के द्वारा। ठीक है, तो टाटा स्टील के द्वारा जब इसको एक्वायर किया गया, खासकर किसके तहत, यहाँ पर यह है न्यू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीजर के थ्रू। तो यहाँ पर ढंग से काम नहीं कर पा रही थी, एक तरीके से बैंक्रप्ट और इंसॉल्वेंट यहाँ पर घोषित किया जा रहा था। तो यहाँ पर इसको, यहाँ पर इसके अलावा इसको यहाँ पर जो टाटा स्टील के द्वारा एक्वायर किया गया, तो जो इसके अब फिलहाल अपॉइंट किया गया यहाँ पर, अप्रूव किया गया यहाँ पर नरेंद्रन को एज ए चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव एडिशनल डायरेक्टर इस कंपनी का। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने बन सकता है, क्योंकि लेटेस्ट अभी न्यूज में भी थी, पूछा जा सकता है कि किसको ये पोस्ट दी गई है। आगे बढ़ते हैं, वन लाइनर और इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जिनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं। एक बात की जा रही है अभी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के बारे में, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के जो चेयरपर्सन है उनको बनाया गया है किसको, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, किसको, होम मिनिस्टर को। होम मिनिस्टर कौन है आज के डेट में, राजनाथ सिंह। एक्स ऑफिशियल चेयरमैन क्या होता है, राजनाथ सिंह जैसे ही यहाँ पर होम मिनिस्टर की पोस्ट पर बैठे, इनडायरेक्ट वे में, बिना किसी सिलेक्शन, बिना किसी इलेक्शन, बिना किसी नॉमिनेशन के, ये यहाँ पर चेयरमैन बन जाएंगे, किसके, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे है जैसे राज्यसभा के चेयरमैन आप लोग देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बिना किसी इलेक्शन सिलेक्शन अपॉइंटमेंट के डायरेक्ट यहाँ पर चेयरमैन बन जाते हैं, किसके, राज्यसभा के, तो उसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। नीति आयोग के द्वारा 3000 एडिशनल स्कूल को यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया है, जिसके तहत यहाँ पर अटल थिंकिंग लैंक जो है, मतलब एक तरीके से इनोवेटिव आइडियाज प्रोवाइड करवाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के तहत यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा 3000 जो एडिशनल स्कूलों को यहाँ पर ऐड करने की बात की गई। नेक्स्ट बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं WCD के द्वारा लॉन्च किया गया था यहाँ पर, ये था योगा फॉर 9 to 5, खासकर उन लोगों के लिए या फिर महिलाओं के लिए आप लोग बोल सकते हैं जो किसी जो काम पर जाती है, कंपनी वगैरह में काम करती है, या उनका जो टाइम पीरियड रहता है ये रहता है 9 to 5, तो वहां पर भी एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराया जा सके वर्क प्लेस पे, वो आसानी से थोड़ा बहुत योगा अपनी बॉडी को सही रखने का काम कर सके। सेकंड एडिशन इंडिया और US आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, अर्थ ऑब्जर्वेटरी एंड द साइंस फॉर सोसाइटी एंड इकोनॉमी, ये देखने को मिला अभी CS जो हमारी कंट्री की साइड से, ये CSIR दोनों ने मिलकर यहाँ पर गोवा में यहाँ पर एक तरीके से मिलकर काम करने की बात की गई है। ठीक है, गोवा आप लोग याद रखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, ये है यहाँ पर अभी स्टार्ट किया गया जो सेवा भोज योजना। तो देखिए क्या था, एक तरीके से जैसे आप लोग जाते हैं गुरुद्वारा वगैरह में या फिर मंदिर मस्जिद में आप लोग जाते हैं, गरीबों को खाना खिलाया जाता है वहां पर कई बार। ठीक है, इसके अलावा लंगर लगते हैं, तो वहां पर तो कोई भी जाकर खाना खाता है, तो इस तरीके के आइटम पर एक तरीके से टैक्स नहीं लगाना, GST से बाहर रखना, सेवा भोज योजना इसको बोला गया यहाँ पर। तो GST का जो टैक्स इनके ऊपर लगता है उसको रिफंड कर देना, जो कि सेंट्रल गुड्स और सर्विस टैक्स के अंडर में आता है। तो काफी अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर फायदा पहुंचता है, खासकर इस तरीके के लोग जो कि खुद से अरेंजमेंट नहीं कर पाते खाने के, तो भूखा सोना ना पड़े उनके लिए काफी अच्छा एक प्रबंध आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये की जा रही है रिलेशन के बारे में, सेंट्रल और स्टेट के, सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन के बारे में मैंने दो वीडियो बनाई थी, तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों के बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, लिंक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा, दोनों ही आप लोग जाकर इनको देख सकते हैं, और इस जो लेक्चर है इसकी PDF भी आप लोगों को यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, माइंड में आप लोगों के फिक्स हो जाएंगी फिर चीजें, और हाँ बाकी क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी लगभग 10 से और 11 बजे के बीच में, आप लोग इसको देख सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ में। ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस चलती रहे, क्योंकि क्वेश्चन के हॉल जब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में अगर सेट रहेंगे ना, किस तरीके से आप लोग एक प्रैक्टिस कर आए हैं, तो आप लोग बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। फर्स्ट जो न्यूज देखिए हम लोगों ने नेल्सन मंडेला के बारे में देखी, डिटेल में डिस्कस किया। अमेजन के जो यहाँ पर चीफ हैं उनके बारे में, जेफ बेजोस इनका नाम है याद रख सकते हैं, मोस्ट मतलब पावरफुल आप लोग एक तरीके से धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि इनके पास में जो कैपिटल जो रेवेन्यू हो गया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज के दिन में वर्ल्ड में सबसे ऊपर है। रिजर्व कर लिया है यहाँ पर वर्डिक्ट किससे रिलेटेड, यहाँ पर सेक्शन 377 के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट आप लोगों ने देखा कि इंडिया के जो यहाँ पर ये थे नीरज जी, इनके द्वारा गोल्ड जीता गया फ्रांस में। और एक हम लोगों ने देखा यहाँ पर ट्राई के जो चेयरमैन थे उनकी स्टेटमेंट के बारे में भी हम लोगों ने जाना। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि आइसलैंड के बारे में, UNHRC की चीट के बारे में डिस्कस किया, डिटेल में मैंने आप लोगों को आइसलैंड भी दिखाया कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हम लोगों ने न्यूज डिस्कस की, ये यहाँ पर डिस्कस की ग्लोबल कॉम्पैक्ट के बारे में, किस तरीके से जो माइग्रेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनाने की बात की जा रही है। इसके अलावा हम लोगों ने वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट
वीजा कहां पर बांग्लादेश में इनोग्रेट किया गया, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर जाना ज्वाइंट कमीशन के बारे में, क्योंकि हमारी कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो आज के डेट में बहरीन की विजिट पर हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना किस तरीके से ज्वाइंट कमीशन बनाने की बात की जा रही है, ताकि दोनों कंट्री के जो सिटीजन है उनको फायदा पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यहां पर एडिशनल चार्ज मिल गया है हिमाचल प्रदेश का, किसको, जो हरियाणा के गवर्नर है कल्याण सिंह सोलंकी जी को, तो कैप्टन सिंह सोलंकी जी को, इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, पर कैपिटल रिवेन्यू कलेक्शन में हरियाणा सबसे ऊपर है। पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट का सबसे ज्यादा पर कैपिटल रिवेन्यू कलेक्शन था, तो हरियाणा का यहाँ पर सबसे ज्यादा था। फ्रांस ने यहाँ पर जीता फीफा वर्ल्ड कप, नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है कहाँ पर, कतर में, और किसको हराकर जीता, क्रोएशिया को, और ये इसका सेकंड यहाँ पर एक तरीके से आप लोग खिताब बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने ये अवार्ड के बारे में जाना कि कौन कौन से यहाँ पर अवार्ड इनको दिए जा रहे हैं, हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं उसके बारे में। इसके अलावा जो हम लोगों ने डिस्कस किया ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर टीवी नरेंद्रन के बारे में, जो कि भूषण स्टील के, इनको अपॉइंट करने की बात की जा रही है चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव एडिशनल डायरेक्टर। बाकी हम लोगों ने यहाँ पर वन लाइनर देखे, और इसके अलावा आप लोगों को शाम को जाकर ये वीडियो देखनी है। तो देखिए आज का टारगेट याद रखना है 1500, ठीक है ना, डेली करके चलते यार, मोटिवेट रहेंगे आप लोग भी, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें करने से ना माइंड भी थोड़ा रिलैक्स रहता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे ताकि आप लोग भी अच्छे से चीजों को इन्जॉय कर सकें। तो टारगेट रखते हैं, वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा और लोग यहाँ पर कनेक्ट हो सकें, और एक अच्छा लेवल हम लोग एजुकेशन का अपनी कंट्री में प्रोवाइड कर सकें। तो यहाँ पर शेयर कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर इसके अलावा टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, सारे लिंक वीडियो के नीचे हैं। आज के लिए इतना ही, देखिए अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है, और जब भी टाइम मिला आप लोगों किसी को पढ़ाइए जरूर। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।